दोस्तों ये वाला रोड जो आप देख रहे हो सीधे जो गया है वो कैंट रेलवे स्टेशन जाएगा, और इधर जो लेफ्ट गया है वो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर तक जाएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर आप बने रहिए, हम आपको रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के लेटेस्ट वीडियो दिखाने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को देने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं और पूरी जानकारी हम रुद्राज कन्वेंशन सेंटर से देते हैं आपको। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के पास, आप देख सकते हैं यह बनकर रेडी है, बस उद्घाटन करना इसका बचा हुआ है। सामने आप ऊपर देख सकते हैं चारों तरफ रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इसी से सटा इधर राइट साइड में नगर निगम कार्यालय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक है यह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। शिवलिंग आकार का यह सेंटर इसी महीने में पर्यटकों को समर्पित करने का प्लान था, हो सकता है कोरोना के महामारी के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया हो। इसमें एक साथ लगभग 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर एग्जीबिशन के लिए गैलरी, ओपन स्पेस, लैंडस्केपिंग, पार्किंग की भी सुविधा होगी। इसे तैयार करने में लगभग 186 करोड़ रुपए का खर्च भी आया, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि इसके बाहरी हिस्से में 108 एल्युमिनियम के रुद्राक्ष लगाए गए हैं, जैसा कि आप शायद देख भी रहे होंगे, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। कन्वेंशन सेंटर में दिव्यांगजनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के दोनों मुख्य दरवाज़ों पर 6-6 व्हील चेयर का इंतजाम होगा। बेसमेंट में तकरीबन 120 गाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। इसके अंदर यहाँ पर रोडों को भी बना दिया गया है, पूरे एल्युमिनियम से इसे बनाया गया है। कचरे का भी प्रयोग कर इसके दीवारों को बनाने में किया गया है। इसमें देसी संघ, विदेशी गीत संगीत, नाटक और प्रदर्शनी का भी लोग लुत्फ़ उठा सकेंगे। इसके अंदर दो बड़े हाल भी बनाए गए हैं। मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे कुछ वर्ष पहले वाराणसी दौरे पर आए थे, तभी दोनों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी, जो अब बनकर तैयार है। पर्यटनों को ध्यान में रखकर इस सेंटर पर समय समय पर फूड फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपा करके लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन होगा, इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। जगह जगह पर काफ़ी खिड़कियां भी बनाई गई है। इसके लगाए एल्युमिनियम के रुद्राक्ष इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं।